वाह, देखिए फ्रेंड्स, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और मेरा किचन सारा महक रहा है। और ये देखिए कितना स्पंजी है, पर ये गर्म है अभी। थोड़ा ये ठंडा हो जाए तो आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखिए कितना स्पंजी बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट। और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, सबके लिए हेल्दी है। और ये देखिए कितना अच्छा से बना हुआ है, कितना सा ये सॉफ्ट है। अगर केक हमारा अच्छा बनता है तो सबसे मेन चीज ये है, जिसका अंदर का जो दिख रहा है इतना अच्छा से बना हुआ है, इसी का पता चल रहा है कि केक हमारा बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो आप भी बनाओ और घर पे जरूर ट्राई कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में, मैं आपकी अप्सरा। आज मैं लेके आई हूँ कुछ नई रेसिपी। उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ, मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं, तो मेरे वीडियो लगातार नहीं आ पा रहे थे। चलिए, तबीयत तो खराब होते रहती है, मौसम भी ऐसा चल रहा है, कभी ठंडी कभी गर्म, तो इससे अच्छा है कि हमें वीडियो बनाना बंद नहीं करना चाहिए। चलिए, आज मैं कुछ खास रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, और ये बहुत ही हेल्दी है और खाने में बहुत ही टेस्टी और बन भी जाती है झटपट। चलिए, आज मैं बनाऊंगी एप्पल केक, और ये बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम तो एक छन्नी लेंगे, तो इसमें डालेंगे हम डालेंगे मैदा 1 कप। हमें सबको इसको छन्नी से छान लेना है। और इसमें डालेंगे गेहूं का आटा 1 कप, ये भी इसमें डाल देते हैं। अब इनको थोड़ा सा छान लेते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप चीनी। सारा इसी कप से, एक ही कप से मेजरमेंट से मैं सब कर रही हूँ। मैंने ऑलरेडी चीनी को पीस रखी है मिक्सी में तरह से, या फिर आप मार्केट से भी ले सकते हैं आइसिंग सुगर, ये मैंने घर पे पीस लिया है। अब चीनी भी डालेंगे 1 कप। चीनी लेंगे 1 कप, इसको भी थोड़ा सा हम छान लेंगे पहले। थोड़ा सा कम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सिनेमन पाउडर। एप्पल के केक में सिनेमन पाउडर डालना बहुत ही जरूरी है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। करीब आधा चम्मच। अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा करीब आधा चम्मच। अब इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर करीब 2 चम्मच, क्योंकि हम इसमें एगलेस बना रहे हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा बेकिंग सोडा और पाउडर की जरूरत पड़ेगी, ताकि ये और सॉफ्ट बने और अच्छा सा फूले। 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा आधा चम्मच और बेकिंग पाउडर 2 चम्मच। अब इसको सबको मिला के हम इसको अच्छे से छलनी से छान लेते हैं। ये सारा हमने छान कर लिया है ये छलनी से, और जो मोटा मोटा दाना है इसको फेंक देते हैं, इसको यूज नहीं करेंगे। अब हम इसको साइड में रखते हैं, और जो हमने एक एप्पल लिया है इसको हम अभी छील लेंगे। ये एक एप्पल है, मैं इसको कट कर लिया है। कट के अब इसको अच्छे से छील लेते हैं। छील के इसको तुरंत ही कट करके पीसेस में काट लेंगे। काट के इसको तुरंत ही मिक्सी में डाल के प्यूरी बनाना है, एक फाइन प्यूरी बनाना है, क्योंकि इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये काला पड़ जाएगा, फिर उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें थोड़ा जल्दी करना होगा, फटाफट मिक्सी में डालना है और इसको तुरंत ही प्यूरी बनाना है। अब सारे एप्पल को काट के हम डाल के प्यूरी फटाफट बना लेते हैं। चलिए फ्रेंड, अब बनाना शुरू करते हैं। हमने एप्पल का प्यूरी भी बना लिया है कितने अच्छे से। अब हम लेंगे इसमें सेम कप के मेजरमेंट से 1 कप दूध, और इसी कप के मेजरमेंट से लेंगे हम एप्पल का प्यूरी 1 कप। एप्पल का प्यूरी ले लेंगे 1 कप।
अब इसमें डाल देंगे हम करीब 150 ग्राम मेल्टेड बटर। ये मैंने मेल्ट कर लिया है, 150 ग्राम बटर है। और इसको मिला लेते हैं अच्छे से। ये सारे को हमने मिला लिया है। अब हम जो हमने पहले से जो सब कुछ छान के रेडी करके रखा था, अब इसको हम डालेंगे, आधा आधा हिस्सा डालेंगे पहले। इसको मिला लेते हैं। ये देखिए एक बार का हमने मिला लिया। और जितने बचे हैं इसको मिला लेते हैं। अब सारे को अच्छे से मिला लेंगे। बैटर हो गया है हमारा तैयार। अब इसमें डाल देती हूँ 2 चम्मच के करीब तेल। अब इसको मिला लेते हैं एक बार फिर से। और हमने केक टिन को पहले से तैयार करके रखा है। मैंने ऊपर से ऑयल थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दिया है और ऊपर से थोड़ा सा मैदा थोड़ा छिट दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे सारे बैटर को। बैटर को डाल दिया है, इसको अच्छे से हम टैप कर लेते हैं। तैयार हो चुका है, अवन में डाल लेंगे। पर मैं तो अवन का यूज नहीं कर रही, मैं सेम कढ़ाई में बनाऊंगी इसको। अगर आप अवन में बना रहे हो तो फ्री हीट में 180 डिग्री सेल्सियस में इसको आपको पकाना है 30 से 35 मिनट के लिए। अब चलिए हम अपना अवन बनाते हैं कढ़ाई में। मेरी हो गई है कढ़ाई गर्म है, थोड़ा कढ़ाई जो है थोड़ा गहरा वाला लिया है, अंदर से स्टैंड रख दिया है। अब हम इसको डाल देंगे इसके अंदर काफी सावधानी से। हम इसको पकाएंगे करीब 40 मिनट के लिए। अभी इसको हम हाई फ्लेम में करीब 10 मिनट के लिए रखेंगे, फिर बाकी के टाइम इसको हम मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे, स्लो मीडियम फ्लेम में। चलिए फ्रेंड्स हम अपना एप्पल केक देख लेते हैं कितना अच्छा से बन के ये फूल गया है। ये ऐसे ही होता है, चलो चेक कर लेते हैं। एक क्लीन नाइफ ले लेते हैं और इससे हम चेक करेंगे हमारा केक बना के नहीं, तैयार हुआ के नहीं। अगर क्लीन आए तो आपका मतलब ये केक आपका तैयार है। कभी कभी केक पकने में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज वो हीट की वजह से, कितना आप उसको हीट में रख रहे हैं। क्योंकि मैंने 10 मिनट इसको रखा है हाई फ्लेम में, उसके बाद के 30 मिनट मैंने लो फ्लेम में रखे और 5 मिनट रखे थे, टोटल 45 मिनट रखे हैं मैंने। तो मेरा केक बन के डन तैयार है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर में इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर अपना हम डीमोल्ड करके देखेंगे हमारा केक कैसा। चलिए फ्रेंड हम इसको डीमोल करते हैं, थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड कितना मस्त बनके ये तैयार है और कितना स्पंजी है ये देखिए। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए कितना नरम और कितना सॉफ्ट ये बनके तैयार है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये हमने कट कर लिया है, अब इसको हल्के हाथों से उठा लेते हैं। वाओ देखिए फ्रेंड्स इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है और मेरा किचन सारा महक रहा है। और ये देखिए कितना स्पंजी है, पर ये गर्म है अभी, थोड़ा ये ठंडा हो जाए तो आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखिए कितना स्पंजी बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट। और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, सबके लिए हेल्दी है।
और ये देखिए कितना अच्छा से बना हुआ है, कितना सा ये सॉफ्ट है। अगर केक हमारा अच्छा बनता है तो सबसे मेन चीज ये है, जिसका अंदर का जो दिख रहा है इतना अच्छा से बना हुआ है, इसी का पता चल रहा है कि केक हमारा बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो आप भी बनाओ और घर पे जरूर ट्राई कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिएगा आपको ये केक कैसा लगा, और टेस्ट के बारे में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए, तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।